नमस्कार, आम सहर को स्वागत करछु चिन्मयी। प्रथमे हेडलाइंस। सनशाइन पब्लिक स्कूल अध्यक्ष ममिता मेहर निखोज मिस्त्री, पुलिस हेफाजत रु गायब है गोविंद साहू। प्रश्न उठिला खसी गले ना जाणीशु खसाई दिगला, किए दे अभियुक्त को सुरक्षा और समय। सेपटे कर्तव्य अवहेला तीन पुलिस कर्मचारी सस्पेंड। गुमर जाणी बोली गायब होगले कि ममिता, वायरल ऑडियो रे बड़ खुलासा कले युवती। प्रेसिडेंट गोविंद कलाकारनामार पर्दाफाश करने को कही प्रिंसिपाल, सेपटे एवं भी चुप गृह राष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्र। विधायक प्रदीप पाणिग्राही घरे विजिलेंस चढ़ाउ प्रसंग, दीर्घ 22 घंटा पर जेरा सारी प्रदीप सरकारी बासभवन बाहर विजिलेंस टीम उपस्थित थे पर संपर्क। बीजेपी में मिशिले पूर्वतन मंत्री अंजलि बेहरा, केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उपस्थित हेले सामिल। बीजेपी में ढेंकानाल जिलार सहस्राधिक कर्मी योगदान, पूर्वतन कांग्रेस विधायक प्रार्थी संतोष राउत धरले पद्म। कटक व्यवसायी क्षीरोद साहू को गुलीमाड़ और लूट घटना, चारिजिया डकायत गैंग को गिरफ कला कंदरपुर पुलिस। दुई दिन तले गैंग मुख्य राकार होता एनकाउंटर। ओबीसी संरक्षण को नहीं तेजिला असंतोष, प्रतिवाद रे 12 घंटिया नुआपड़ा जिला बंद। डाकरा पछुआ वर्ग को अणदेखा नहीं बंद पालन, सरकारी कार्यालय सह दुकान बजार गाड़ी चलाचल प्रभावित। गजलक्ष्मी पूजा पर चलचंचल तुलसी क्षेत्र, कोविड कटकणा भितर प्रस्तुति शेष पर्यायर, महामारी मनरे नहीं उत्साह। परंपरा रक्षा कर मंडपर पूजा पाइबे धनदात्री। शेषे उपकूल ओडिशा रे सक्रिय रही लघुचाप प्रभाव में राज्यर केतेक स्थान में वर्षा जारी, चारि जिले प्रबल वर्षा नहीं पानीपाग विभाग पक्षर येलो वार्निंग जारी। आहुरी गोटे दिन मत्स्यजीवी को समुद्र प्रवेश मना। एथर संपूर्ण खबर। कलाहांडी सनशाइन पब्लिक स्कूल अध्यक्ष ममिता मेहर निखोज मिस्त्री, पुलिस हेफाजत गायब है गोविंद साहू, जहां को नहीं बड़ प्रश्न उठी। गोविंद खसी गले ना जाणीशु खसाई दिगला, आ सबुठ बड़ प्रश्न किए दे सुरक्षा और समय। सेपटे ममिता मेहर को अभियुक्त गोविंद साहू मंद उद्देश्य रखी अपहरण कर बलांगीर सिंधेकेला थाना एफआईआर भी होती। एफआईआर कॉपी में ममता भाई बंटी मेहर संगीर अभियोग आफआईआर लिखाई अक्टोबर 8 तारीख में ममिता सका 5:45 मिनिट्रे कंटाबांझी महालिंग जीवा बस निजर कार्यस्थल महालिंग को जाते, किंतु चांदतोरा छक गोविंद साहू तंक भौणी को अपहरण कर। एफआईआर को आधार कर पुलिस गोविंद ना सिंधेकेला थाना पुलिस दफा 366 लगाई तदंत आरंभ कर। दफा 366 अर्थात मंद उद्देश्य रखी अपहरण करने। सेपटे पुलिस बैरिकेड्रु स्कूल सभापति चंपट मारिबा घटना, दायित्व में तीन पुलिस कर्मचारी कार्य निलंबित कर। राकेश विश्वाल, दया जेनी, रविंद्र झिले कर्तव्य अवहेला सस्पेंड कले एसपी। स्कूल परिचालना कमिटी सभापति गोविंद साहू चंपट मारी राति टेटलागड़ पुलिस बैरेक्रु चंपट मारी श्रीक्षेत्री निखोज घटन गोविंद को अटक रखि पुलिस। तार ऊपर ऊपर ऑफिसर मैंने जिते अच्छन मुई तो कही नहीं पारे, मुई हेते नहीं जाने। से लोग मन के अनुरोध करुचे मुई से लोग मोखे झील बाहर करी करी मोर पाके आनी दियन मोर झील की। से तो ताके चाप पड़ी ना ऊपर आड़ू चाप पड़ी बोली ताके फेराल कर दीजन। हाँ, मंत्री संगे तार हाथ अच्छे आर से एका बाहरी जाइए से लगे एका फेराल कर दीजन ताके। से बाहना करी करी मुई हाथ धोई जाऊे बोली से निजे एका फेराल कर।
सेपटे गोविंद चंपट घटन अजब जुक्ति सामना को आसुची काले टिटलागढ़ हॉस्पिटल को नेबाकु प्रस्तुत होउथिले पुलिस सेठारे गोविंदंकर कोविड टेस्ट करा जाईथांता सही समय रे कटि जाईथिला विद्युत आउ तारो सुजोग नहीं काले गोविंद चंपट मारिथिले तबे एभली कथा को सहजरे ग्रहण करि पारु नाहंती जनता कारण थाना रु जने एते सहजरे जीवा कथा को अनेक कहानी बोली कहउचंती सेपटे जदि ए कथा सत तबे पुलिस रो भूमिका और सुरक्षा उपरे मध्य प्रश्नवाची सृष्टि होउछि तबे गुमर जानिथिले बोली गायब हो गले कि ममिता वायरल ऑडियो रे बड़ खुलासा करिछंती युवती प्रेसिडेंट गोविंद को कला कारनामार पर्दाफाश करबा को कहिथिले प्रिंसिपल एने तांकु ओपन चैलेंज मध्य करिथिले गोविंद करूथिबा कला कारोबार रो खुलासा करिबे बोली ममिता कहिथिबा वायरल ऑडियो रे युवती कहउछंती जहाकु ने एबे जोरदार चर्चा सपडे एबे भी पूरा घटना रे विवाद रे थिबा गृह राष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्र प्रतिक्रिया रखि नाहंती ए बाबद अधिक सूचना पाई आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि जसवंत धांगड़ाबाजी जोड़ी होती जसवंत खास करी वर्तमान जो जदि देखिबा जे गोविंद साहू जे रही थे फाउंडर स्कूल रो सी जिते बड़े वर्तमान गायब हो जाती आपको नहीं बड़ प्रश्न एथपाई उठू जे केमिटी गोविंद साहू पुलिस कस्टडी भितर गले निश्चित भाव में चिन्मय देखो जिते बड़े ये घटना घटला घटना घटला पर जो जहाँ नाँ अभोग आसला गोविंद साहू जी हूँ जो स्कूल जो कॉलेज रो मालिक पुलिस उठे नहीं था कस्टडी रखिता किंतु वर्तमान प्रश्न उठी जड़े पुलिस कस्टडी रही भितर जड़े जहाँ नाँ अभोग आसला थाना रखा जाता कि चंपट मारिक फेरार हो जाए पुलिस जापार ना ही बर्तमान सब गोटे प्रश्नवाची सृष्टि जहाँकि बलांगीर पुलिस गोटे बहुत बड़ प्रश्नवाची सृष्टि बोलिक आम कहीपर कांग्रेस नेता अच्छा परमानंद माझी आम तक सहित सीधा सड़क आलोचना करवा यह विषय आज्ञा बर्तमान सुधा ममिता मेहर को पुलिस खोजी पारिना कि जहाँ नाँ अभोग आसाला थाना को आणिक अटक रखी कि चंपट मारिदे कौन कह घटना के देखुंट इटा गोटे बाहाना ये कर ममिता मेहर सन्धान आज पर्यटन मिलने 10 दिन 11 दिन होगा आउ गोविंद साहू जानना संशिष्ट पुलिस जेरारे नहीं जेरारे नहीं कि मिथ्या बाहाना करुले या पुलिस विभाग ही जानवे कि आम कहूँटा जदि गोविंद साहू पुलिस हेफाजत से कमी पलैला जदि पल यहाँ संपूर्ण भाव में पुलिस विभाग अपारगता आ होम विभाग अपारगता जाशुक मैंने छाड़ी नचे गोटे पुलिस कस्टडी कमी पलैवा जदि निरीह साधारण व्यक्ति थीता आज पुलिस ताके हाजत भर भरिक रखिता कि गोटे मंत्री जंत्री सहित संपर्क अच्छे बोलिक राज्य सरकार घंट घोड़ जमा पड़ू कंठ गुड़ेटा आज जोटा कि आम सरकार को निंदा करुचु सरकार को अपारगता से राज्य मुख्यमंत्री होम डिपार्टमेंट दायित्व अच्छा आउ यार गृह राष्ट्रमंत्री स्थानीय विधायक तो यहाँ नैतिकता दृष्टि मैंने इस्तफा देवा कथा जेदिन पर्यंत इस्तफा नदे आमती घंट घोड़ देते तो कांग्रेस तो छाड़बनी आगामी दिन रास्ता उल्लेख आंदोलन कर निश्चित भाव में चिन्मय जे अच्छा से कहते कांग्रेस आगामी दिन में आंदोलन को ओह्ल बोल के जहाँ सूचना दौरान आज जन आज्ञा अच्छा सहित भी आलोचना करवा आज्ञा वर्तमान सुधा ममिता ठिकना मिल पारे कि गोविंद साहू को पुलिस हेफाजत थिला कि फेरार होगा आज पर्यंत मानने जो घटना को कमी कौन देखुं आज्ञा घटनाटा जाणीशुणी कर सब प्लान रे हो तो जो दुर्वृत्त जी प्रकृत ये संश्लिष्ट बचेवाई मु तो कह होम डिपार्टमेंट संश्लिष्ट ये होम डिपार्टमेंट कहीं प्रॉपर तान एक्शन नौनी जिते तत्पर हबार कथा होने पुलिस स्टेशन रु से कल्प्रिटा पलैला यहाँ गोटे विश्वासजोग्य कथा कि ममता मेहर केस को तेने क्लमजी करने अवहेला करने जाणीशुणी ताकू फेरार कराई जेहेतु गोविंद साहू हूँ मेन कल्प्रिट से सब जानी तो ताकू ताने घोड़ेदे केसटा तेने तेने डिसीजन लेट माने डिसीजन डिनाइड से प्रोसेस चलती
ଶୁଣୁଥିଲେ ଚିନ୍ମୟ ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁ ମହି ପରମାନନ୍ଦ ମାଝୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଏ କେବଳ ଗୋଟେ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ପରୀ କଥା କହିବା, ପିହୁ କଥା କହିବା, କିମ୍ବା ଇତିଶ୍ରୀ, ବିଭିନ୍ନ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାରି ମାନେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଝିଅକୁ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦିଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭରସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ସରକାର ପାଖରେ ତୁଟି ଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ କରିଦେଉଛି, ଅତୀତରେ କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇସ୍ୟୁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କେସ୍ରେ ସେ ସରକାର ଜଡ଼ିତ ନଥାଇକରି ବିରୋଧୀଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିଲେ। ସେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାନକୀ ବାବୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି କାହିଁକି ଏ ସରକାର ଏତେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସରକାରକୁ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ଆମକୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଶବନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କେମିତି ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡିରୁ ଖସି ପଳାଇଲା, ତାହେଲେ ପୋଲିସ ସେ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ଇଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ କଷ୍ଟଡିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଶବନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଦୀର୍ଘ 22 ଘଣ୍ଟାର ଭିଜିଲାନ୍ସର ଜେରା ସରିଛି। ରାତି ତମାମ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଥିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜେରା ସରିବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ବାହାରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ବାସଭବନରେ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମେତ ଶାଶୁ, ଝିଅ, ଝିଆରୀ, ପୁତୁରା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କେସ୍ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବିରୋଧରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯାଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟିକ ସଂସ୍ଥା ହୋଇ ବି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ତାକୁ ବି ଖାରଜ କଲେ। 6 ପେଜ୍ର ଜାଲ୍ ଅର୍ଡରକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡର ଦର୍ଶାଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ପିଟିସନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକାୟୁକ୍ତ, ଯାହାକି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡର କପିରେ ଜାଲିଆତି ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ, ସେ ମାମଲା ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାୟ ଦେବେ, ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବୁଲେଟିନରେ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। କଟକ ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ଷୀରୋଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ଓ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା। ଚାରିଜଣିଆ ଡକାୟତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଗିରଫ କଲା କନ୍ଦରପୁର ପୁଲିସ। 2 ଦିନ ତଳେ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ରାକାକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁଖ୍ୟାତ ଡକାୟତ ସାଗର ମଲ୍ଲିକ। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଏସ୍ପି। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରେ ଅଘଟଣ। ବୁର୍ଲା ପିସି ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର। ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ବୁର୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ନଦୀକୁ କାହିଁକି ଡେଇଁଲେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ଓ ଠିକଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଅର୍ଗସର ମହାପ୍ରଭାବ। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କୋଇଲା କଳା କାରବାରର ହେଲା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରେଳବାଇ ସାଇଡିଂରୁ ସିଜ୍ ହେଲା 28,954.72 ଟନ୍ ବେଆଇନ କୋଇଲା। ଏହି ବେଆଇନ କୋଇଲାକୁ ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ମାଇନିଂ ଅଫିସର। ଅବୈଧ ଗଚ୍ଛିତ ଥିଲା କୋଇଲା। ଛତିଶଗଡ଼ କୋଇଲା ମାଫିଆ ବଣ୍ଟି ଡାଲମିଆର ଅବୈଧ କୋଇଲା ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ମାଇନିଂ ଅଫିସର। ବିନା ମାଇନିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ଅନୁମତିରେ କେହି ସାଇଡିଂକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ।
तेज सुंदरगढ़ लैकेरार रेलवे साइडिंग पाखे बेआईन भाव कोईला गच्छित रखाई अर्गस खबर प्रसारण होता बिना अनुमति में बेसरकारी जमीन में माफिया निज मर्जी में कोईला महजूद रखी एने अर्गस एक्सक्लूसिव खबर प्रसारण पर तप्तर होती राउरकेला माइनिंग अफिसर बालेश्वर सहर 26 नंबर वार्ड में अभावनीय घटना शौच होगाक जवा समय गोड़ खसी युवकों मृत्यु मृतक होती प्रदीप तेज प्रदीप मृत्यु पर प्रशासन को दायी करंचलवासी 26 नंबर वार्ड में सहर सफे कर्मचारी रुहति पूर्व से नाना असुविधा नहीं प्रशासन को अवगत कराई बस्ती में 200 ऊर्ध पर रुता बेले शौचालय और ड्रेन से बारंबार प्रशासन दृष्टि आकर्षण करते सुधा समस्या समाधान होना अपमृत्यु प्रशासन दायी बोली अभियोग ए आमर एटी शौचालय भांगी गलानी बर्षे हेला शौचालय भंगाई शौचालय कंट्राक्टर जमा कम करने को आसुना ना कम भी ठीक से करूना ना अधा पिधिया कम कर जो गोटे शौचालय बनाई सेपटे आम ठीक से भी कम होना जेहेतु केुक पड़े एमती आस्ट टाइम काली गोटे नुक आम जाइए बाथरूम से शौचालय भांगी जाइए से जाऊले क्रस कर गुड़ स्लीप एमती कला से पड़ी मुंड पछ मुंड माड़ काली राति 9 बेले से एक्सपायर्ड कर जनइबू आम क्या कतर कहू जिते थर तो आम जो भी कहलु जे गाँव रा ठीक से होना ताकू ठीक कर कि शौचालय ठीक कर जहाँ को तो कहले हाँ करदे बोली कहते कहीं भी शुणुना जे क्या कतर आम कम्प्लेन करें कामटा हो पार सबुब आम एम पढ़ु एमती हईरा पाथ्वु दुख कष्ट पाथ्वु आम जनइले भी आम कथा कहीं शुणु ना ते कौ मंत्री अच्छे कौ नेता अच्छे आम भी जानू कौ नेता मंत्री गुहारी कले शुणे आम तो समस्त को जन सारु नुआपड़ा जिले में आगामी पंचायत निर्वाचन में पछुआ वर्ग को संरक्षण में अवहेला अभियोग 12 घंटिया नुआपड़ा जिला बंद डाकरा दीजिए एने राज्य सरकार उपर असंतोष देखाई नुआपड़ा जिला ओबीसी पक्ष आज नुआपड़ा संपूर्ण भाव बंद डाकरा दीजिए सोमवार दिन सका 6 संध्या 6 जाए 12 घंटा पर्यंत बंद ओबीसी मंच पक्ष नुआपड़ा सदर एकता छक 353 नंबर जातीय राजपथ अवरोध करा बंद नुआपड़ा सरकारी बेसरकारी ऑफिस कोर्ट दुकान बाजार पेट्रोल पंप बैंक सेवा संपूर्ण भाव बंद रही नुआपड़ा कोमना खड़ियाल बोडेन और सिनापाली ब्लॉक संपूर्ण भाव बंद रही पुलिस पक्षर शांति श्रृंखला रक्षा विभिन्न स्थान में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी गजलक्ष्मी पूजा पई चलचंचल तुलसी क्षेत्र कोविड कटकणा भितर केन्द्रापड़ा प्रस्तुति शेष पर्यायर पहुंची महामारी पई मनरे सेतटा उत्साह नथिले सुधा परंपरार रक्षा करी एथर मंडपरे पूजा पाइबे धनदात्री गजलक्ष्मी कुमार पूर्णिमा थारु धरापृष्ठ रे अवतरण करिवे धनलक्ष्मी गजलक्ष्मी प्रतिवर्ष पर चलित बर्ष तुलसी क्षेत्र केन्द्रापड़ा सहर रे पूजा पाइबे गजलक्ष्मी सहर 77 पूजा मंडपरे धनदात्री पूजा पाइबे एने विभिन्न पूजा कमिटी तरफ प्रस्तुति जोरदार तबे दुखर कारण साजिश कोरोना कोरोना कटकण अनुजाई पूजा प्रस्तुति चली गजलक्ष्मी होती केन्द्रापड़ार गणपर्व गजलक्ष्मी पूजा समस्ते गजलक्ष्मी पूजा को बर्ष थर अन आम ये बहुत पर्व हुए दुर्गा पूजा सब पर्वपर्वाणी होता है किंतु साधारण सबू हिंदू मुसलमान सबू स्तर लोक सबू सेक्शन लोक गजलक्ष्मी पूजा को अन से समय विभिन्न बंधुवर्ग डाकती केवल केन्द्रापड़ा सहर बासिंदा नुहंती से माने हिंदू हूँ व मुसलमान हूँ समस्ते समस्त जो मैंने विभिन्न जगह बंधु मैंने अच्छा बाहर अच्छा से आठ गणपर्व को मनासीता सांग एकाठी हो समस्ते ये पार्वणटा को पालन करम तो कोविड 19 टोटाल सब बंद बंद आम 4 फुट ठाकुर करूँ 7 जन गवर्नमेंट गाइडलाइन नहीं आम जहाँ पूजा करा से अनुसार रोच चारिपाख पर्दा बंद होना पूजा हे माँ रही 7 दिन 7 दिन पर पूर्णाहुति होना आम नहीं
ଆମ ଯେଉଁ ବିସର୍ଜନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆମର ବିସର୍ଜନ କରିବୁ, ଆଉ କୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ନାହିଁ କି କିଛି ଆଡ଼ମ୍ବର ନାହିଁ। ପୂଜା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି 4 ଫୁଟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୃର୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରଙ୍ଗ କାରିଗର ଏଥିରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। 25 ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିବା ସହ 26 ତାରିଖରେ ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା କରାଯିବ। ତେବେ ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରୋନା ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ପୂଜା ଚମକ। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତିପ୍ରତ ମାନସିକତା ରହୁ। ପାର୍ବଣକୁ ଆମେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରିବା ତାହା ହିଁ ହେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାର ମୋ ମତରେ, ଏବଂ ସେଇ କଥା ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ରହୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଖଡ଼ି ଦେଇକି ରଙ୍ଗରୁଙ୍ଗା ଚାଲିଛି ସବୁ, ଏବେ ରଙ୍ଗରୁଙ୍ଗା ତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଅଧା ଅଧା କାମ ସରିଲାଣି, ଆଉ ବହୁତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ ପୁରା ରାତି ଦିନ ଲାଗି କରୁଛୁ। ଆମେ ତ ଖୁସି ଅନୁଭବ ଯାହା ଆମ ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଲା, ଆଉ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା ମାନି ଆମେ 3.5 ଫୁଟରୁ 4 ଫୁଟ ଯାଏଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜ୍ଞା କରୁଛୁ। କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ବଣ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ପୂଜା ଚମକ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରମେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏଭଳି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ବଜ୍ରପାତର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥଳଭାଗ ସହିତ ସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବା ସହ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଏଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ ହୋଇଛି। ଅଠା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍ ପାଲଟିଛି ନିଶାର ମାଧ୍ୟମ। ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍ ନିଶାରେ ବାୟା ହୋଇଛନ୍ତି ଶିଶୁ। କିଏ ରୁମାଲରେ ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍ ପକାଇ ଆଘ୍ରାଣ କରୁଛି ତ କିଏ ପଲିଥିନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଶା ଭାବେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ବୟସରେ ନିଶାରେ ଚୋର ଅନୁଗୁଳ ସହରର ଶିଶୁ। ଦେଖିବା ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ରିପୋର୍ଟ। ସଙ୍କଟରେ ଶୈଶବ, ଘାତକ ନିଶାର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଶିଶୁ, ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି ଅନୁଗୁଳରେ ଶିଶୁଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ସବୁ ଜାଣି ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ। କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଚାଲିଛି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଅନୁଗୁଳ ସଦର ମହକୁମା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ସହରର କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଭଳି ମାରାତ୍ମକ ଦୃଶ୍ୟ ସହରରେ କିଛି ଶିଶୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଏହି ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍ ଅଠାକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କୁନି କୁନି ଛୁଆ ସବୁ ଏବେ ଏହି ଅଠା ନିଶାରେ ମସଗୁଲ। କିଏ ରୁମାଲରେ ପକାଇ ଆଘ୍ରାଣ କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ପଲିଥିନରେ ପକାଇ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଶୁଙ୍ଘି ତାର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବାପା ମା କାମକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏମାନେ ବଜାର ବୁଲି ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍ ଅଠା କିଣି ତାକୁ ନିଶା ଆକାରରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି କେତେକ ଚାଇଲ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇ ରୁଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଭାଗାବଣ୍ଡ ହେଇକିରି ଏଣେ ତେଣେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଅନ୍ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖାହେଉଛି ଏଇ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଆବ୍ୟୁଜର୍ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠି କଥା ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିଟିରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ, ଟିଚର୍ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ମାନେ ଘରୁ ନେଇକିରି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାସିଲିଟି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ନେସ୍ ହେଲେ ହେବ। ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇକି ଚାଲିବ। ଯଦି 2 ଜଣ ପିଲା ଯଦି ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଆବ୍ୟୁଜର୍ ହେଲେ ଆଉ 2 ଜଣ ପିଲାକୁ ସେ ପଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇକିରି ଗୋଟେ କାଳକ୍ରମେ ଚାଇଲ୍ଡ ପପୁଲେସନ୍ର ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ମିସ୍ଗାଇଡ଼୍ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ କହୁଛୁ ବେଶୀ ଜୋର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କମ୍ୟୁନିଟି ଲେଭେଲ୍ରେ ଆୱାର୍ନେସ୍ଟା ବେଶୀ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଉ। ଏଟା କ'ଣ କ'ଣ ଟା ଆଣୁଛୁ? ଏଟା କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛୁ? କିଣିକି ଆଣୁଛୁ? କେତେ ଟଙ୍କାଟା? ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଏଭଳି ନିଶା ସେବନ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ସହର ଏବେ ନିଶାଡ଼ିଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି।
युवगोष्ठी विभिन्न प्रकार निशा सेवन करुवा बेले एवं कोमलमती शिशु निशा सेवन समस्त विचलित कर जो बयस कांधरे स्कूल बस्तानी रहा कथा से बयस कुपथरे जाति प्रशासन दृष्टि देवा आवश्यक रही अधिकारी ए दिगरे प्रशासन सजग अच्छी विभिन्न स्कूल ने निशा सेवन नक सचेतनता कार्यक्रम करोजना तेज यह रोकने को चेष्टा शिशु सुरक्षा अधिकारी शिशु माने केमती ड्रग अब्यूज नहे से आमर केमीटा इराडिकेट करवा जिलूर से गोटे आलोचना है ये विभिन्न विभाग अधिकारी मैंने कलेक्टर चेयरमैनशिप मीट होता आमर से जो मेडिसिन स्टोर गुड़ाक सब ए सब सीसीटीवी कैमेरा इनस्टलेसन एनसर कर डायरेक्शन देखते कलेक्टर सर जोटा कि ड्रग इन्स्पेक्टर या इनिशिएट करेंगे आउ एनसर करेंगे सब इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन जो न करेंगे अगेंस्ट एक्शन हम ता सहित स्कूल रो 100 मीटर रेडियस रे कौन सी सोप दुकान ई ड्रग गुटका ये सब जिन बिक्री करें जदि सेमती किसी अच्छी से उच्छेद अल्प टंका आउ सहजरे उपलब्ध निशा आउ एथिपई अति सहजरे एहाकु आदरी नेउछंती कोमलमती शिशु जहां से भविष्य उपरे बेस प्रभाव पक प्रशासन ए दिगरे तुरंत और जथेष पदक्षेप ने ही रोक अनुगुल कैमरामैन मनोज राउतराय तपन दास को रिपोर्ट अर्गस न्यूज समस्त बुलेटिन को नमस्कार।